हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 9.5-1 शॉज को का कलर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्लॉन्डमी का ब्लॉन्डर, और इसमें इसका मिक्सिंग रेशो 1:2 होता है, तो हम इसका डबल डेवलपर ऐड करेंगे। जब हम कोई भी कलर करते हैं तो हम को जो मिक्स करना होता है बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे ब्लॉन्डर रह गया, कहीं पर डेवलपर रह गया। अब हम एप्लीकेशन करेंगे। ये हमने कटिंग हेयर निकाले थे, ओरिजिनल हेयर हैं। इस पर हम अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे, बहुत ही अच्छे से हम लगाएंगे जितना हमारे पास बाउल में ब्लॉन्डर हैं। तो बालों को हम अंदर तक एप्लीकेशन करेंगे। अब हम बालों को पलटेंगे और दोनों तरफ से हम एप्लीकेशन करेंगे। अब हम बहुत अच्छे से पीछे की तरफ लगा रहे हैं। उसके बाद हम वेटिंग टाइम के लिए इंतज़ार करेंगे। बालों को प्रोसेस चालू होगा। अभी बालों में येलो टोन बचा हुआ है, तो हम दोबारा से इसमें फिर लाइट करेंगे। हम और वेट करेंगे दोबारा एप्लीकेशन करने के बाद। गुड बाय येलो, येलो टोन को कट करते हैं शैम्पू। हमने देखा बालों को, हमें फॉइल में लगा जैसे ये हो गया है, इसका येलो टोन ख़त्म हो गया है, लेकिन जब हम वॉश करेंगे तो वॉश के बाद हमें फिर से येलो टोन नज़र आएगा। इस पर हम ब्लू गुड बाय येलो शैम्पू भी करेंगे तो उसके बाद भी येलो टोन कट नहीं होता। और फिर हम इसमें दोबारा से हम प्री लाइट करते हैं। प्री लाइट को करने के बाद हम इसका पेल येलो बिल्कुल ख़त्म करते हैं, कि जैसे हमने अभी देखा वॉश होने के बाद तो इसमें येलो टोन था, तो हमने सोचा चलो ब्लू शैम्पू से हम करते हैं। लेकिन ब्लू शैम्पू की भी अपनी एक लिमिट होती है, और उससे ज़्यादा वो कट नहीं कर सकता। ब्लू शैम्पू को हम बालों में लगाते हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अच्छे से हम इसमें एप्लीकेशन करेंगे, शैम्पू को लगाएंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। वॉश करने के बाद जब हमने शैम्पू वॉश किया तो उसके बाद भी इसमें बहुत येलो टोन बचा हुआ था, तो मैंने देखा, हमने एप्लीकेशन करने सोचा, लेकिन मुझे पता था इस पर नहीं आने वाला, तो मैंने इस पर दोबारा से प्री लाइट किया, दोबारा से सब कुछ किया वैसे ही। प्री लाइट करने के बाद फिर मैंने 9.5-1 इसमें एप्लीकेशन किया। कलर हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। ये मैंने एप्लीकेशन किया था, ये आया नहीं था। जब ये आया नहीं तो मैंने इसमें दोबारा से प्री लाइट किया। प्री लाइट करने के बाद जब ये पेल येलो पे पहुंच गया था, उसके बाद फिर मैंने दोबारा 9.5-1 10 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट का टाइम जो होता है, कंपनी जो बोलते हैं 20 मिनट का होता है, लेकिन विजुअल चेक होता है ये 5 से 10 मिनट के अंदर भी आ जाता है। हमने इन बालों में 2 से 3 बार हमने प्री लाइट किया था, तब जाके हमें इस तरह का रिजल्ट अचीव हुआ था, जो मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। लेकिन हाँ, उसके बाद हमारे जो बाल थे वो एक झाड़ू की तरह हो गए थे, मतलब बालों में से जान ख़त्म हो गई थी। जब भी हमने ग्रे हेयर कलर करना है, इस तरह का रिजल्ट आया था, मैं इससे संतुष्ट नहीं था, तो मैंने दोबारा से प्री लाइट वगैरह सब कुछ किया, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये 9:55 जैसा शेड आया, मुझे ग्रे हेयर चाहिए थे, इस तरह का हेयर चाहिए था, तो मैंने दोबारा से प्री लाइट करके वो कलर डिपॉजिट किया 9.5-1। तो हमारा मैंने अचीव कर लिया था। मैं इसका एक वीडियो दोबारा से बनाऊंगा आपके लिए,
लेकिन बालों में से जान ख़त्म हो जाती है। तो आपको जब भी इस तरह का कोई कलर करना है तो उसमें ओलाफ्लेक्स आप डाल लेंगे तो बालों में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, बालों में वीकनेस नहीं आएगी, बाल टूटेगा नहीं। इसका तरह का कलर करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, अचीव आप आराम से कर सकते हैं।